हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब, आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज मैं फिर से रेडी हो गई हूँ और ज़्यादा कुछ रेडी नहीं हुई क्योंकि डॉक्टर के पास आए थे। डॉक्टर बोले थे चेहरे पे कुछ नहीं लगाना, खाली सन क्रीम लगाना है। तो मैंने सन क्रीम लगाई, आई लाइनर और लिपस्टिक थोड़ा सा। तो मैं जा रही हूँ वापस घूमने के लिए। तो आप लोग मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो आप लोगों को हम कहाँ जा रहे हैं वो आगे बताएंगे और दिखाएंगे वहाँ का व्यू। तो अभी तो मुझे भी ज़्यादा अच्छे से पता नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिएगा। तो हम चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। तो फ्रेंड, चलते चलते हम लोग एक जगह पे रुक गए हैं और यहाँ से ना आर्यन के लिए चश्मा ले लेती हूँ। और देखिए, मैंने स्कार्फ बांध रखी तो मुंह में ना आवाज़ क्या पता कैसे आ। ना बाबू की फोर, ये वाला गॉगल्स बहुत मस्त लग रहा है, ले लूं? यस, अरे खुश है वो, कितना बहुत खूबसूरत लग रहा है। तुमको ये पसंद आ रहा है? ठीक है। अरे वाह, बड़ा होता है, बड़ा है ना, लेकिन मेरी ये ठीक है। बाप रे, इतना छोटा लड़का आईने में देख रहा है कि मैं कैसे दिख रहा हूँ। ऐसे कोई करता है? ये देखो कैसे देख रहा है बार बार। ये अच्छा लग रहा है ना, ये अच्छा लग रहा है कि वो, यही अच्छा लग रहा है ना। हेलो, वो वाला अच्छा है। तो हम लोगों ने चश्मा ले लिए, एक आर्यन के लिए लिए है और एक अर्श के लिए। घरों में क्या सीट है? आ गए, ये देखिए फोर व्हीलर इधर पार्किंग किए हुए हैं। अभी तो मुझे नहीं पता कि शायद गंगापुर धरन है, इधर टू व्हीलर पार्क कर दिए हैं। तो टू व्हीलर पार्क है इधर, अरेंट पापा कर दिए हैं। अब चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या है अंदर, आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो यहाँ शायद राइडिंग वगैरह है, ये देखिए जे पी राइडिंग है, ये राइडिंग है। वाह, कितनी अच्छी अच्छी राइडिंग है ना। टिकट ले रहे हैं, हो गया और हम अंदर जा रहे हैं। ये देखिए कितनी अच्छी बोट है, ये चलती होगी क्या? चलती है क्या? मुझे लगा खराब पड़ी हुई है। एक ये बोट है, इसमें तो चक्का अच्छा, ये स्टैंड है ना। तो ये एंट्री गेट है अंदर की। बाबू कहाँ भाग रहा है? यस, उसमें नहीं बैठना है, वो उसमें बैठने के लिए कर रहा है। चलो अंदर। तो ये देखिए एंट्री गेट है, यहाँ से हम अंदर जाते हैं। वाह, कितना मस्त, मतलब बैठने उठने का है ना, अच्छी जगह है, क्योंकि खाने पीने का भी मिल सकता है यहाँ। बोटिंग कितनी अच्छी अच्छी, वाह यहाँ। अंदर और पहले थोड़ा चाय वाय पी लेते हैं, कुछ पानी वानी पी लेते हैं, उसके बाद चलते हैं घूमने के लिए। वाह, तो मैं कब से बैठी हुई हूँ यहाँ, अभी तक चाय नहीं आई। बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ और इतने टूरिस्ट लोग हैं ना कि क्या बताऊँ। बहुत मतलब अच्छा लगता है यहाँ के, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है और गर्मी वाला फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है गर्मी का मौसम फूल आ गया है। घर में रहने से तो नहीं लगता है, लेकिन यहाँ आने से पूरा गर्मी जैसे फील हो रहा है। और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट लोग आए हुए हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए बाहर कितना धूप किया हुआ है, कड़क वाला। और ये देखिए बहुत टूरिस्ट लोग बैठे हुए हैं और सब वेट कर रहे हैं कब छाँव होगा और कब जाएंगे सब लोग उधर घूमने के लिए। क्योंकि वो जो जिस साइड में पानी है ना, उस साइड पे बहुत ज़्यादा से धूप किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पूरा पानी में जो राइडिंग वगैरह होता है वो सब दर्शाए हुए हैं। कैंटीन है तो लेने गए हैं आर्यन के पापा चाय वगैरह। तो एक बार आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ, कितना सुंदर है। पानी पानी है एकदम, गंगापुर धरन बोलते हैं इसको, मुझे तो बोलना भी नहीं आ रहा है यहाँ का। तो चारों तरफ ना पानी पानी दिख रहा है और बोटिंग राइडिंग मतलब बहुत अच्छा है यहाँ। तो देखते हैं हम जाके कुछ देर में, अभी तो बहुत धूप किया होती है। देखिए बोटिंग है यहाँ से,
और हम पहले जो आते थे तो ये पानी के उस पार वो पहाड़ी की तरफ से आते थे, इस बार इस तरफ से आए हैं। वाह बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का व्यू। अरे देखिए आर्यन और अर्श कितने अच्छे से बैठ गए हैं बोट में, लेकिन पानी में नहीं है, ऐसे ही खड़ी हुई है बाहर बोट, इसलिए बैठ गए हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मैं नहीं कर सकती ये बोटिंग तो बिल्कुल नहीं, मैं अकेले नहीं कर सकती, मुझे बहुत डर लगता है। और ये अर्श है कि बार बार पानी की तरफ जाता है, हमें बहुत डर लग रहा है। ये देखो इसको पकड़ना है, यानी यहाँ से कूद सकता है वो। कितना अच्छा व्यू दिख रहा है बोटिंग करने के लिए। वाव ये देखिए कितना टूरिस्ट लोग बोटिंग करने के लिए चढ़ गए हैं। हमें ये कैसे चलती होगी, मतलब गैस वाली ना? है ना पेट्रोल से चलती है। अच्छा देखना है कैसे चलती, मैं अभी तक देखी नहीं हूँ। चालू हो गई है बोटिंग, ये तो दोनों साथ में ही जा रही है, ऐसा क्यों? वाह ऐसे स्पीड जाएगी कि एकदम स्लो स्लो जाएगी। एक उधर जा रही है, किधर जा रही है। अभी स्टार्ट हुई, कितना सुंदर नजारा दिख रहा है। वाह हाय करो, हाय हाय करो, हाय करो, हाय। मैं देखती हूँ बाबू कहाँ भाग के गया, ये देखिए। यश तो आर्यन के पापा कुछ लेने के लिए गए हैं, ये देखिए दोनों भाई आ रहे लेके। बहुत भगाता है बाबू छोटा वाला। ये देखो फ्रेंड बाबू को ना ये फर्स्ट टाइम का फ्रूटी है, ये फर्स्ट बार पी रहा है अभी तक बाबू, इससे पहले ना कभी फ्रूटी नहीं पिया है, क्योंकि इससे पहले वो बहुत छोटा था। ये देखो कहाँ भाग रहे हो। और हमारा नाश्ता आ गया है, ये दूसरी चक्कर है हमारा, चाय नाश्ता एक बार हो गया, ये दूसरी चक्कर है तो कर लेते हैं। ऐसे पीते हैं, कैसा लग रहा है नाश्ता? अच्छा है। कितनी गर्दी है ना, बहुत ज्यादा टूरिस्ट लोग आए हुए हैं, बहुत भीड़ है। चीज दिखाती हूँ कि यहाँ तो जितने लोग हैं इतनी भीड़ यहाँ अंदर है, और यहाँ से सब लोग अभी क्योंकि 5 बज गए हैं तो सब अभी ये देखिए जा रहे हैं सब साइड में, ये देखिए, और कुर्सी लगा लगा के ना वो साइड पे बैठ रहे हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, क्योंकि उस साइड से ना नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखता है, सामने का व्यू जो है बहुत अच्छा दिखता है। तो ये देखिए कितने लोग हैं, सब जा जा के उधर ही बैठ रहे हैं साइड साइड में। क्या कर रहे हो, क्या तो तुम्हें ना निकाल दिए हो, अब वो पाइप कितनी गंदी हो गई है। रुको रुको रुको, मैं ये नहीं खाऊंगी ना। नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगी, खा लो। हम लोग की चाय आ गई है, और एक चाय में हम लोगों ने 50-50 कर लिए हैं। बहुत गर्म है यश, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगी है चाय, बोल नहीं सकते। यहाँ जितने में एक चाय मिल रही है उतने में तो मेरी पूरी फैमिली पी लेगी। Thank you.
बोटिंग करने का तो मन नहीं कर रहा ना। हाँ धूप लग रहा ना, मैं वही तो है, नहीं तो उधर चलते। मेरा चेहरा भी पूरा रेड रेड हो गया होगा। चले हम भी। अब वापस जा रहे हैं, राइडिंग हो रहा है जहाँ, मतलब कि जहाँ बोटिंग वगैरह हो रहा है वहाँ जा रहे हैं। और मेरे चेहरे की आज फिर से बैंड बज गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप लगा है मेरे चेहरे पे। और ये देखिए कितना गंदा चेहरा मेरा दिख रहा है, और इतना धूप आ रहा है कि मैं अगर मतलब एक मिनट तक ऐसे सामने देखती रहेगा ना, मेरे आँखों में ना आंसू आ जाएंगे। ये देखिए नहीं देख सकती हूँ, बहुत मतलब मुझे प्रॉब्लम है, आँखों में प्रॉब्लम है, चेहरे में प्रॉब्लम है, मेरे ऊपर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। हाँ बहुत जोर से भगा रहे हैं ना। अरे वो भगा नहीं रहे, वो अपने से वो कर रहे हैं। देखो किनारे किनारे भी कितने लोग आ गए हैं। पप्पा उस टाइम पे क्या बोल रहे थे, नहीं उधर नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, सब लोग जा रहे हैं, मस्त हम शॉर्ट निकाल सकते थे जाके। तो ये देखो भाई राइडिंग यहाँ चालू हो गई। वाह क्या नजारा है, देख के तो दिल खुश हो गया एकदम से। हम और पास में जाके दिखाते हैं, पर इधर ना अंधेरा जैसे दिख रहा है, और ये साइड पे ये देखिए उजाला दिख रहा है क्योंकि सूरज की जो रोशनी है ना सामने ही है, इसलिए अंधेरा दिख रहा है। तो ये देखिए यहाँ कितनी भीड़ है, बाप रे, वो बाइक वाले और सब फोटो शूट कर रहे हैं, सबके सब फोटो शूट कर रहे हैं। क्या है, हाँ चलो तो ये देखिए हमारे बच्चों का मस्ती देखिए, इतना परेशान करके रखा हुआ था ना कि क्या बताऊं। ये देखिए हाय करो, यश, अरे इतना ठंडा लग रहा है ना फ्रेंड कि मैं क्या बताऊं। और ये दोनों पानी में खेल रहे हैं, सर्दी पक्का होगी आज। तो सनसेट हो गया है, और ये देखिए सब लोग फोटो शूट पे लगे हुए हैं। इस टाइम का ना बहुत ही सुंदर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, सूरज डूबते हुए। तो आप लोग ये देखिए सूरज कैसे डूब रहा है थोड़ा थोड़ा करके, कितना सुंदर व्यू है। ये देखिए कैसे डूब रहा है, डूब गया। टूरिस्ट लोग बोटिंग कर करके जा रहे हैं, और मैं दिखा देती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। एक जगह पे नीचे बैठ के बाबू को दूध पिला रही हूँ क्योंकि भूख लगाई ही ना उसको सुबह से, मतलब खाया है कुछ दूध भी पिया है पर भूख लगा है। तो मैं सोची जाते जाते शाम का टाइम है, दूध पिला देती हूँ एक बार। तो फ्रेंड अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, बहुत रात हो गया है। तो फ्रेंड मैं वहाँ से आ गई हूँ, और मेरी अगर ये वीडियो पसंद आई आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।